कर्ण हंसती बोले कैसी बात कर रही हो आप, मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, मैं नमक कैसे हराम कर दूंगा। और माँ अभी आपने ये बोला कि आप मेरी माँ हो, आप मेरी माँ कैसे हो। तब कुंती ने सारी बात बताई, बेटा जब मैं कुंवारी थी, कुंवारीपन में मेरे यहाँ दुर्वासा जी कुछ दिन के लिए ठहरने के लिए आए, मैंने उनकी बहुत सेवा की। चलते समय दुर्वासा जी ने मेरी सेवा पर खुश होकर के मुझे एक मंत्र दिया और ये कहा कि इस मंत्र का जाप जिस देवता का ध्यान करके तू करेगी बेटी, उसी देवता के समान तेरे पेट से बेटा पैदा होगा। लेकिन बेटा उस समय में कुंवारी थी, उस समय में कुंवारी थी, कुंवारेपन में मैंने उस मंत्र की अनुवाइस करने के लिए, उस मंत्र की अनुवाइस करने के लिए, ये बात सही है या गलत है, सूर्य का ध्यान करके जब मैंने बेटा मंत्र का जाप किया तो क्या हुआ। लला मेरे गजब भयो भारी, करण मेरे गजब भयो भारी, लला मेरे गजब भयो भारी, 9 महीना की बात करण तू जन्म अवतारी, तो कुवारेपन में तू मेरे गर्भ में आयो। लोक लज्जा मर्यादा के कारण समय आने पर मैंने तो कुछ जन्म देके शर्म के मारे एक संदूका में बंद करके तो यमुना में बाहे दो। अधिरथ नाम की केवट तुम्हें ले गए, उन्होंने तुम्हारा पालन किया है। दुर्योधन हंस के बोला, माँ ऐसी भी माँ होती है, ऐसी भी माँ होती है जो बच्चे को पैदा करके और बहा दे, पैदा करके बहा दे, ऐसी भी माँ होती है क्या? आप अपने आप को माँ कह रही हो? हाँ माँ, सुनिए, आप ये कह रही हो कि आप पांडवों का साथ दे दो, ये तो कभी नहीं हो सकता, मैंने उसका दुर्योधन का नमक खाया है। हाँ मैया, आप ये कह रही हो कि बेटा मैंने तो को 9 महीना पर पेट में रखो, और मैया तूने 9 महीने पर पेट में रखो है तो एक काम कर, बोले का बन 9 महीना के बदले तू मुँह पे कछु मांग ले, 9 महीने तक तूने पे पेट में मोए रखो कछु मांग ले। जैसी जवाब कही तो कुंती बोली, बेटा अगर कछु देनो चाहते सुन। अरे 5 पाड़ों पे परशुराम की पीटा दी गहाई, हर 5 पाड़ों पे परशुराम